वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का सीटीपी टेक्निकल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ समय से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे गूगल फोटोज को लेके। तो आज के इस वीडियो में हम एक नहीं बल्कि दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला है गूगल फोटोज की नई अपडेट के बारे में, और दूसरा है कि आप कैसे गूगल फोटोज में अपनी फोटोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं गूगल फोटोज की नई अपडेट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल फोटोज की नई अपडेट आ गई है। इस अपडेट में क्या है कि 1 जून 2021 के बाद जो गूगल फोटोज है वो आपको 15 GB डेटा स्टोरेज ही प्रोवाइड करेगा, और अगर आपको उसको बढ़ाना होगा तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे और उसका प्रीमियम प्लान जो है वो खरीदना होगा, तभी आप अपने स्टोरेज को बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थे, तो आज मैं वही आपके दूर करूंगा। तो सबसे पहले इस अपडेट को सही से समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्टार्टिंग June 1, 2021 हाई क्वालिटी एंड एक्सप्रेस क्वालिटी कंटेंट विल काउंट टुवर्ड्स योर गूगल अकाउंट स्टोरेज। मतलब है June 1, 2021 से जो हाई क्वालिटी और एक्सप्रेस क्वालिटी कंटेंट है वो आपके गूगल स्टोरेज में काउंट किया जाएगा। फिर इसके बाद देखिए लिखा है, वंस यू रीच योर गूगल लिमिट यू कैन आइदर सब्सक्राइब टू गूगल वन फॉर एडिशनल स्टोरेज और यूज गूगल स्टोरेज मैनेजमेंट टूल टू रिव्यू एंड डिलीट फोटोज एंड वीडियोज दैट काउंट टुवर्ड्स योर स्टोरेज। यहाँ पे मतलब है कि अगर आपकी स्टोरेज पूरी भर जाती है तो आपको या तो जो नया स्टोरेज है उसको सब्सक्राइब करके और ज्यादा बढ़वाना पड़ेगा, या तो अपने गूगल फोटोज के मैनेजमेंट टूल में जाके अपनी कुछ फोटोज और वीडियोज को डिलीट करना होगा जिससे जो स्टोरेज लिमिट है उसको आप फुलफिल कर पाए। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, हाई क्वालिटी एंड एक्सप्रेस क्वालिटी फोटोज एंड वीडियोज बैकअप बिफोर June 1, 2021 वोंट काउंट टुवर्ड्स योर गूगल अकाउंट स्टोरेज। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा सवाल पूछा जा रहा था कि क्या जो उनके फोटोज और वीडियोज हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है कि जो हाई क्वालिटी और एक्सप्रेस क्वालिटी फोटोज हैं जो कि आपने June 1, 2021 से पहले अपलोड की हैं वो आपकी गूगल अकाउंट स्टोरेज में काउंट नहीं करी जाएंगी। मतलब जो नई पॉलिसी है वो June 1, 2021 के बाद से ही आपकी जो गूगल अकाउंट जो आपकी गूगल फोटोज में जो भी आप वीडियोज अपलोड करेंगे वो काउंट होंगी, लेकिन उससे पहले की जितनी भी आपने फोटोज और वीडियोज अपलोड करी हैं हाई क्वालिटी या एक्सप्रेस क्वालिटी में वो काउंट नहीं की जाएंगी। फिर देखिए लिखा है, ओरिजिनल क्वालिटीज फोटोज एंड वीडियोज विल कंटिन्यू टू काउंट टुवर्ड्स योर गूगल अकाउंट स्टोरेज। अगर आपने June 1, 2021 से पहले ओरिजिनल क्वालिटी में अगर आपने फोटोज और वीडियोज अपलोड करी हैं, सिर्फ वही काउंट होंगी आपकी 15 GB स्टोरेज लिमिट में। अब इसके बाद देखिए लिखा है, फोटोज बैकअप इन ओरिजिनल क्वालिटी एंड देन एक्सप्रेस टू हाई क्वालिटी आफ्टर June 1, 2021 विल काउंट टुवर्ड्स योर गूगल अकाउंट स्टोरेज। और अगर आपने June 1, 2021 से पहले अगर कोई इमेजेस या फोटोज उसकी ओरिजिनल क्वालिटी में अपलोड करी हैं और बाद में आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं या कंप्रेस कर देते हैं उसकी हाई क्वालिटी में, तब भी फ्रेंड्स जो आपकी वो वीडियोज या फोटोज होंगी वो गूगल अकाउंट स्टोरेज में काउंट करी जाएंगी। ये जो वेब पेज है ये गूगल का ऑफिशियल वेब पेज है, और इस वेब पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे अगर आपके कोई भी डाउट्स बचे रह गए होंगे तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं इस वेब पेज का लिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप अब आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि जो गूगल अपडेट जो आई है वो क्या है असल में। तो आप समझ लेते हैं कि आप कैसे गूगल फोटोज में अपनी फोटोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाएंगे। तो गूगल फोटोज में फोटोज को शेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक एल्बम को क्रिएट करना होता है। तो एल्बम क्रिएट करने के लिए आप अपने फोटो सेक्शन पे आ जाइए और यहाँ से आप उन फोटोज को सेलेक्ट कर लीजिए जिन्हें आपको शेयर करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ फोटोज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने फोटोज को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको ऊपर ये प्लस के साइन पे क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको एल्बम पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एल्बम बन के आ चुकी है। अब आप इस एल्बम का जो नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मैं इस एल्बम को शेयर नाम दे देता हूँ। तो ये देखिए मैंने नाम टाइप कर दिया। अब आप ऊपर यहाँ टिक ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपकी एल्बम अब बन चुकी है। अब आपको इस एल्बम को शेयर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
अब फ्रेंड्स, अगर आपकी ईमेल आईडी में कॉन्टैक्ट सिंक होंगे तो आपको यहाँ कॉन्टैक्ट दिखाई देंगे। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट लिंक पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ लिंक जो है वो जनरेट हो रही है। तो जो लिंक है वो कॉपी हो चुकी है। अब इस लिंक को आप जिसे सेंड करना चाहें उसे आप सेंड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और तरीका है फोटोज़ को शेयर करने के लिए। फिर से आप यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करिए और आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करिए तो आपको यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिस तरह से आप शेयर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि जिन लोगों को भी आपने इस एल्बम को शेयर किया है वो लोग भी इस एल्बम में कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ ऐड कर पाएँ, तो उसके लिए आपको इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कोलैबोरेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप टिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों के साथ आपने इस एल्बम को शेयर किया है वो लोग भी अपने फ़ोटोज़ को और वीडियोज़ को इस एल्बम में ऐड कर पाएंगे। ये जो एल्बम आपने बनाई है या आपको इस लाइब्रेरी सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आपने जो भी एल्बम बनाई होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप इस एल्बम पे क्लिक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप ये एल्बम किसी के साथ शेयर ना करें तो फिर आप यहाँ फिर से आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करें, फिर आप यहाँ ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर इसके बाद आपको लिंक शेयरिंग का जो ऑप्शन है इस पर आपको अनटिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो एल्बम है प्राइवेट हो जाएगी और सिर्फ आपको ही दिखेगी। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो एल्बम है वो प्राइवेट हो चुकी है। अब ये जो एल्बम है जिसके साथ भी आपने शेयर करी होगी तो उनके साथ अब ये शेयर नहीं होगी। अब फ्रेंड्स, अगर आपको एल्बम को डिलीट करना है तो आप फिर से यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करिए, फिर आप यहाँ डिलीट एल्बम पे क्लिक कर दीजिए तो जो एल्बम है डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह आप गूगल फोटोज़ में अपनी फ़ोटोज़ को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप ये नहीं जानते कैसे आप गूगल फोटोज़ में स्टोरेज को चेक कर पाएंगे तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको गूगल फोटोज़ यूज़ करना नहीं आता सही से तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। आई होप अब आपके जो गूगल फोटो से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक करें, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक जरूर कर दें जिससे ऐसे ही आपको टेक्स रिलेटेड वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।